गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल और मूंगफली की चटनी। चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी में चना दाल और एक कटोरी में मूंगफली ले ली है। हम चना दाल और मूंगफली को थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, दाल को भून लेते हैं। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हमारा चना दाल तैयार है। अब हम उसको भिगो के रखेंगे पूरे आधा घंटे तक। मैंने चना दाल को एक कटोरी में निकाल दिया है। अब पानी डाल के उसको आधा घंटे तक छोड़ देंगे। मूंगफली को 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद हम मूंगफली को एक कटोरी में निकाल देंगे। मैंने चना दाल को भिगो के रखा है और मूंगफली को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद मूंगफली से हम छिलका निकाल देंगे। आप छिलके के साथ भी इसको पीस सकते हैं। एक जार पे चना दाल और मूंगफली को हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 2 मिर्च लिया है, आप तीखा आपके अनुसार डाल सकते हैं। में थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। चना दाल को ग्राइंड कर लेंगे। हमारा चटनी बनके तैयार है। अब हम उसमें तड़का लगाएंगे। मैंने कढ़ाई पे तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा सरसों और मिर्ची का तड़का लगाएंगे। आपके पास अगर कड़ी पत्ता हो तो अच्छा है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। इस तड़के को हम बनी हुई चटनी के ऊपर डाल देंगे। मेरे पास धनिया पत्ता था इसलिए मैं ऊपर से धनिया पत्ता डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, हमारा चटनी बनके तैयार है। तो डोसा के साथ, गर्मा गर्म इडली के साथ खा सकते हैं। मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।